जय हिंद दोस्तों। जो हमारे भाई और दोस्त सीजल मेंस में इस बार अपीयर करने जा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि यार मैं तो हर चीज़ संभाल लूँगा, बस मुझे टाइपिंग से और कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप इतना भी ज़्यादा पैनिक मत करिए। वहाँ इतना टफ कंपटीशन नहीं रहेगा कि आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसमें हैशटैग ऐट द रेट, लोग कह रहे हैं कि उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंबल दिया जाएगा, डॉलर का सिंबल। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरी कई लोगों से बात हुई जिन्होंने CHSL और CGL टाइपिंग दे रखी है, उन्होंने बताया कि पैसेज बहुत ही सिंपल आता है, बस आपकी स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन होनी चाहिए। और इस बार एक्यूरेसी का भी आपको ज़्यादा कोई फॉल्ट नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछली बार की कंपैरिजन में इस बार आपकी जो इरर परसेंटेज थी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। जैसा कि आपको पता है, 20-25-30% की इरर परसेंटेज यहाँ पर कर दी गई है कि इतनी जो है मान्य रहेगी। तो आपको किसी तरह कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं उन भाइयों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो अभी भी टाइपिंग में अपना फुल कमांड नहीं कर पाए हैं। तो मेरे उनके लिए कुछ टिप्स ये है कि पहले तो आप एक क्विक ब्राउन फॉक्स, जो एक पूरा सेंटेंस है, इसको दिन में लगभग 50 टाइम 50 टाइम इसको टाइप करिए। अगर आप अनसीन टाइपिंग करते हैं तो अनसीन करिए, अदरवाइज आप जैसे पहले टाइपिंग करते चले आ रहे हैं ठीक उसी तरह टाइपिंग करिए। आप अपना लय बिल्कुल मत बिगाड़िएगा कि किसी कहने पर आप अनसीन टाइपिंग करने लगे या 2 फिंगर टाइपिंग कर रहे हैं, 8 फिंगर टाइपिंग कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। जो आप स्टार्टिंग से कर रहे हैं आपको वही करना है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा इसमें पैनिक, आपको सिर्फ 28 से 30 वर्ड पर मिनट की एक स्पीड चाहिए। आप 40 की 45 की प्रैक्टिस तो आप जितनी कर सकते हैं करिए, लेकिन जो मिनिमम क्राइटेरिया है आपको 28 से 30 चाहिए। आप ज़्यादा मैक्सिमम के पीछे मत भागिए कि मुझे 50 करना है, मेरी 50 नहीं हो पा रही है। तो मैं इतना जानता हूँ, आप जो आज यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं इससे बेहतर आप एग्ज़ाम में करके आएंगे। ये मेरा आपको चैलेंज है, क्योंकि मैं भी कई एग्ज़ाम दिया तो मुझे ऐसा लगता है जो मैं यहाँ मॉक देता हूँ उससे हमारा कहीं ज़्यादा नंबर वहाँ पर बनता है। तो इस वजह से अभी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा आप खुद की टाइपिंग करके। ये टाइपिंग सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन मैं क्रोम पर खोला हूँ, स्पीडी टाइपिंग ऑनलाइन। तो इस पर मैं अभी 10 मिनट की प्रैक्टिस करूँगा। आप चाहे तो वीडियो को 2x पर करके देख सकते हैं, मैं देखता हूँ कि हमारी टाइपिंग स्पीड क्या आती है और एरर परसेंटेज क्या रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी टाइपिंग। मैं तो फिलहाल अनसीन टाइपिंग ही करता हूँ। अगर आप जिस हिसाब से टाइपिंग करते हैं तो आप अपनी टाइपिंग उसी हिसाब से करिए, आपको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि हमारी टाइपिंग की स्पीड क्या है और कैसे हो रही है ये हमारी टाइपिंग। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वहाँ जो आपको पैराग्राफ दिया जाएगा वहाँ हाईलाइट बिल्कुल भी नहीं होगा। जो हम यहाँ पर टाइप कर रहे हैं ये हाईलाइटेड वर्ड आ रहे हैं, जो मैं टाइप कर ले रहा हूँ हाईलाइटिंग हट जा रही है वहाँ से, तो वहाँ पर आपको हाईलाइटिंग नहीं देखने को मिलेगी। तो अभी हमारी यहाँ टाइपिंग स्पीड 38 पहुँच चुकी है। मैं आपको अभी अपनी स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि हमारी नेट टाइपिंग स्पीड क्या आई।
अगर आपको ऐसे और वीडियोस की ज़रूरत हो और चाहिए फ्यूचर में, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो यहाँ पर एक नंबर आ चुका है। आपको कंसिस्टेंसी मैं फिर से बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आपका हैंड में पेन भी होने लगता है, इस वजह से आप ज़रूर से ज़रूर टाइपिंग की प्रैक्टिस लगभग 20 से 30 मिनट 1 घंटे डेली करिए, अगर आपकी स्पीड सही नहीं बन पा रही है तो।
इसमें जो स्पेशल थोड़े बहुत करेक्टर आ जाते हैं उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है सोचने में, तो इसको आप ऑब्जर्व जब तक नहीं करेंगे तब तक आप सही से स्पेशल करेक्टर को टाइप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर 10 मिनट की टाइपिंग हमारी कंप्लीट हो गई है, और चेक करते हैं इसमें स्पीड कितनी आई हमारी। तो ये कैमरा हमारा ट्राइपॉड पर लगा है, मैं आपको कैमरा उतार कर दिखाना चाहता हूँ कि हमारी स्पीड कंप्यूटर पर कितनी आई है। तो आप देख सकते हैं हमारी स्पीड 39 वर्ड पर मिनट, एक्यूरेसी 93.3%, और यहाँ पर सारी डिटेल देखते हैं, करेक्ट इंट्रीज 1874, इनकरेक्ट इंट्रीज 135, मीन्स हमने एरर बहुत ही कम किया है। ये अब आपको बिल्कुल सही से दिखेगा। तो मैं फिर से अगर आपको अगर सजेशन दूँ तो सजेशन में मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप अपनी टाइपिंग बेहतर तो कर सकते हैं लेकिन कंटिन्यू आपको इसमें कंसिस्टेंसी में मेहनत करनी। जैसे कि आपके पास अब 2-3 दिन बचा हुआ, जैसे जिसका 1-2 तारीख 3 तारीख में एग्ज़ाम है, लेकिन अगर आपका 6 या 7 में एग्ज़ाम है तो अभी भी आप अपनी टाइपिंग स्पीड को बहुत ही ज़्यादा सुधार सकते हैं, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। लगभग 1.5 घंटे आप डेली टाइपिंग करिए तब जाकर आपकी स्पीड सही होगी, और स्पीड क्या एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा मैटर इसमें करता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।